खनिया थाना की वार्ड क्रमांक 9 की हरिजन मोहल्ला में कांग्रेस प्रत्याशी के पति के द्वारा आम मतदाताओं को वोट के बदले नोट बांटने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि कुछ वार्डवासियों ने शंकर कुशवाहा को रंगे हाथों पकड़ा और वार्डवासियों के द्वारा उसका वीडियो भी बनाया गया जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि कुंजा देवी कुशवाहा पत्नी शंकर कुशवाहा वार्ड क्रमांक 9 से कांग्रेस प्रत्याशी हैं, जहां पर विगत रात ही वार्ड के कुछ जागरूक मतदाताओं के द्वारा पैसे बांट कर उसे पकड़ा गया और उनका वीडियो भी यहां पर बना लिया गया और शंकर कुशवाहा के द्वारा सूचीबद्ध तरीके से मतदाताओं को पैसा वितरित किया जा रहा था और अपने पक्ष में वोट डालने का प्रलोभन दिया जा रहा था। आपको बता दें कि एक दिन पहले भी कांग्रेस प्रत्याशी के पति शंकर कुशवाहा के द्वारा भाजपा प्रत्याशी को चुनाव प्रचार करने से रोका गया था और उनके हाथ से प्रचार प्रसार सामग्री भी छीनकर नष्ट की गई थी। इसकी शिकायत भाजपा प्रत्याशी के द्वारा खनिया दाना थाने में की गई थी, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई पुलिस के द्वारा नहीं की गई है, जिससे कि साफ नजर आ रहा है कि पुलिस भी दबाव में है और राजनीतिक दबाव के कारण कांग्रेस प्रत्याशी पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है। कांग्रेस प्रत्याशी अपने दबंगई के बल पर पार्षद पद जीतना चाहते हैं। जी, आपके साथ कोई सुबह घटना घटी थी, उसके बारे में आप बताएं क्या घटना घटी थी। जी हाँ, सुबह हम अपने बीजेपी का प्रचार करते हुए हम वार्ड नंबर 9 में निकले हुए थे। वहाँ पर हमें कुंजा देवी के पति श्री शंकर कुशवाहा, जो कि हमारे अपोजिट खड़े हुए हैं, तो वो हमें मिले थे। उन्होंने हमारे साथ, जो हम प्रचार करने के लिए पत्र वगैरह लिए हुए थे, उन्होंने वो छुड़ाकर हमारे साथ झेरा झपटी की और हमें काटने मारने की धमकी दी और हमसे कहा गया है कि आप प्रचार प्रसार मत कीजिए, बैठ जाइए। तो इस बात से हम तब भी भयभीत हो गए थे और अभी कुछ ही टाइम पहले हमारे समर्थकों ने, हमारे जो प्रचारकर्ता हैं, उन्होंने बताया कि वहाँ भी उन्होंने कुछ नोट वोट देने की कुछ ऐसी व्यवस्था की हुई थी जिससे उन लोगों ने रंगी हाथ पकड़ा है और सुबह की उनकी जो मारकाट की जो धमकी रही है उससे हम बहुत प्रताड़ित हुए हैं। पूरा दिन हो गया है हमारे लिए और हमें बहुत ही चिंता हो रही है इस बात को लेकर और हम चाहते हैं कि थाना प्रभारी हमारी मदद करे। अभी आपने थाना प्रभारी को आवेदन दिया है? जी, हमने आवेदन दिया है। पूरे समर्थकों के साथ हम गए और हमारे साथ जो भाई एक और खड़े हुए निर्दलीय प्रत्याशी पवन भैया, उन्होंने भी इस बात की शिकायत थाना प्रभारी के पास की है। अब देखना हमें ये है कि हमें थाना प्रभारी जी और लोग हमें क्या सहायता प्रदान करते हैं, क्योंकि अभी हमें सहायता की बहुत जरूरत है। काटने मारने की बात सुन के हम बहुत ही ज्यादा भयभीत हो गए हैं। क्या मामला घटित हुआ है? वो शंकर कुशवाहा है, मोहल्लों में पैसे बांट दिया था, घर के अंदर घुस कर जिन लोगों ने सबने बताया कि पैसे बांट रहा है, तो हम लोग वहाँ गए, उसको पकड़ा तो मारने की धमकी दे रहा था, बोले बाद में मारेंगे। भाग गया, पर्ची लिए था, मुंह में पर्ची चबा के फेंक दी और भाग गया। पर्ची किस चीज की थी? लिस्ट बनी थी जितने लोगों को पैसे बांटना है उसको। साथ में कौन कौन था उसके? साथ में इंदर कुशवाहा, श्री कुशवाहा और 4-5 लोग और थे। पैसे कितने कितने दे रहे थे? पैसे दे रहे थे 3,000 रुपए वोट के। क्या नाम है आपका? वीरन। क्या समस्या है? पैसे बांटने आया था शंकर कुशवाहा, वो देना नहीं चाहते हैं, जबरदस्ती देना चाहता है वो। अच्छा, किस लिए देना चाहता है? वोटों के लिए। अच्छा, कौन से वार्ड से खड़ा है? 9 वार्ड से। अच्छा, तो पैसे बांट रहा है? हाँ, पैसे बांट रहा है वो। आपने क्या कहा पैसे बांटने आया तो? पैसे बांटने आया तो हमने उसको मना कर दिया। कोई धमकी दी है? धमकी दे रहा है? नहीं, क्यों नहीं देगा धमकी? क्या दे रहा है? मुझे कह रहा है मारेंगे बाद में, अभी कुछ नहीं कह रहे हैं।